वेलकम टू माय चैनल खुशी एंड ग्यारह। कैसे हैं आप लोग? देखो त्राइक्स दूध पी रहा है, दूध पीते हुए तो सो रहा है। मैं आपको मिलाती हूँ अपनी बेटी क्यारा से। बहुत शैतान है, फ्रिज के ऊपर से लिपस्टिक उठा ली है और उसने पूरे फेस पे मेकअप कर रही है, मेकअप कर रही है, लिप्स पे लगा लिया है। अब उसको एक बॉक्स मिल गया है, उस बॉक्स को कलर कर रही है। अभी उससे पूछूं क्यारा क्या कर रही हो, तो नहीं बस यही बोलेगी। क्यारा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये क्या है आपके हाथ पे? आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है बेटा? जी बोलो हेलो। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। ये नहीं नहीं इसलिए कह रही है कि मम्मी साइड में हो जाए, ताकि ये और लिपस्टिक की लिपस्टिक खराब कर सके। तो गाइस 16 दिसंबर को मेरा पेपर है सीटेट, आप सब जानते होंगे सीटेट एग्जाम टीचर के लिए है। अब ये है कि अब पूरा दिन बच्चों को संभालने में निकल जाता है, पढ़ाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। 2 साल से एग्जाम दे रही हूँ, दोनों बार 1 नंबर या 2 नंबर से मेरा सीटेट रह गया है। अब जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ वैसे मेरे भाई साहब ये छोटे ये उठ जाते हैं, या उसके बाद जब ये सोते हैं तो हमारी क्यारा इनकी शैतानियां स्टार्ट हो जाती हैं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, बहुत अपसेट हूँ, सोच सोच के टेंशन हो रही है क्लियर कैसे करूँगी। 16 दिसंबर को एग्जाम है, ऊपर से घर का सारा काम मेरे ऊपर ही है, हस्बैंड वर्किंग, मदर वर्किंग। अब 2 बार से क्लियर नहीं हो पाया, सोच रहा था क्लियर कर लूँगी, क्रैक कर लूँगी, बट लग नहीं रहा कर पाऊंगी। क्यारा रख दो उसको बेटा, रख दो, पिटाई हो जाएगी, पिटाई कर दूंगी बाबू। तो उसको अपने फेस पे लगाओ, अपने लिप्स पे लगाओ, देखो। तो आप कुछ बताएं मैं अपना टाइम कैसे एडजस्ट करूं, पूरा दिन काम रहता है, घर का काम, बच्चों को देखना, ऊपर से जब थोड़ा सा टाइम रात में लगता है पढ़ने का तो पढ़ते पढ़ते पूरे दिन इतनी थक जाती हूँ कि रात को थोड़ा सा पढ़ती हूँ, पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती है, सो जाती हूँ, खुद को पता नहीं चलता मैं कब सो गई। तो गाइस आप कुछ मुझे एडवाइस देंगे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं कैसे टाइम एडजस्ट करूँ, टाइम कैसे निकालूँ पढ़ने के लिए। बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, 2 साल तक मैं 2 साल मेरी डीएलएड किया मैंने रेवाड़ी हरियाणा बोर्ड से, और मैं जब मेरा ये मेरी 11 साल की थी तब इसको छोड़ छोड़ कर मेरा मैं जाती थी वहाँ पे, मेरा इंटर्नशिप क्लासेस लगती थी, मैं जाती थी रेवाड़ी क्लासेस देने के लिए। फिर ये 1.5 साल की हुई फिर मैं गई, इसको छोड़ छोड़ के मैं गई मम्मी के पास अपनी। मैं 2 साल तक मैंने 2 महीने करीबन मैंने ट्रैवल किया रेवाड़ी टू दिल्ली। कितना मुश्किल होता है छोटे से बच्चे को छोड़ के जाना जो फीड करता है। अब मैं सोच रही थी मेरा क्लियर हो जाए ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं, बट लग नहीं रहा है। अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा आप सबसे पूछ लूं, आप कुछ मुझे बताएं कि मैं कैसे करूं। घर वाले सपोर्ट तो कर रहे हैं बट वो नहीं पा रहा है। क्यारा देखो, क्यारा देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो, कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? बोलो बोलो कैसे हैं आप लोग? गंदी बात पैर नीचे गाइस। और बताएं, और तो सब ठीक ही है। अब मेरा ट्रैक्स ये देखो सो के उठ भी गए। अब आप उठ गए, नींद पूरी हो गई इनकी, इतनी जल्दी नींद पूरी हो जाती है कि दूध पीते पीते ही ये गोद से उठ जाए, गोद में सो के अपनी नींद पूरी कर लेते हैं।
मैं सोचती कुछ काम करूं या कुछ पढ़ाई करूं। शाम के 7 बज रहे हैं, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। पेंटिंग पेंटिंग चालू है इनकी, पेंटिंग कर रही है मेरे लिप्स से, लिपस्टिक से, सॉरी लिप्स बोल दिया। क्या करूं।